खासगी ट्रस्ट के अधीन मंदिरों को मध्य प्रदेश शासन के कब्जे में लेने की कार्यवाही बुधवार को भी जारी रही। एसडीएम राजेश राठौर ने बताया कि मल्हारगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों पर कब्जा लेने की कार्यवाही आज पूरी हो जाएगी। मंदिरों पर अतिक्रमण अथवा इन संपत्तियों का न्यायालयीन प्रकरण है या नहीं, इसकी जांच भी की जा रही है। आगामी समय में मंदिरों के रखरखाव के लिए प्रबंध कमेटी बनाई जाएगी। सर, ये खासगी ट्रस्ट की मंदिर और जमीनों को लेने की जो कार्रवाई चल रही है, ये सर अभी क्या स्थिति है? कितने मंदिरों की जमीन और कितने मंदिर प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं? जैसा कि आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि खासगी ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टीज थी उस पर शासन का आधिपत्य स्वीकार किया गया है। माननीय कोर्ट के निर्देश में इतने सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री पोजीशन ले लिया है। तो जहाँ तक मल्हारगंज एरिया की बात है, एक या दो मंदिर रह गए हैं जहाँ का पोजीशन लेना बाकी है, तो आज कल में वो कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। सर, इसको रखरखाव के लिए आगे कोई व्यवस्था की जा रही है या अनुशंसा की जाएगी कलेक्टर महोदय से इसके रखरखाव के लिए? बिल्कुल, अभी इसमें फ्यूचर में और किस तरीके से बेहतर इस प्रॉपर्टीज़ का प्रबंधन किया जाए, अभी तो तात्कालिक रूप से हमारी प्रायोरिटीज़ यही है कि जो भी व्यवस्था बनी आ रही थी वहाँ पर उसको लगातार कायम रखें और आगे कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं उस पर भी निर्णय लें। सर, अतिक्रमण कहीं कोई ऐसी स्थिति पाई गई है अभी तक जहां अतिक्रमण की स्थिति हो, या कोर्ट का कोई प्रकरण या ऐसी कोई स्थिति? कुछ है, जैसे पट्टाभिराम मंदिर है या एक दो और जगह है जहां पर कोर्ट का केसेस का इशू सामने आया है। अभी डॉक्यूमेंट सामने आए नहीं है, जैसे ही आएंगे उसके अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट डिसीजन लेंगे। और अतिक्रमण का भी एक आध जगह स्थिति है, तो मैं उसको देख के भी लूँगा।